हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे तनवीर अहमद के स्टेटमेंट के ऊपर। हम सबको पता है तनवीर अहमद जो है पाकिस्तान का एक फॉर्मर खिलाड़ी था और तनवीर अहमद ने टेस्ट और वनडे पाकिस्तान के लिए खेला और काफ़ी अच्छा तेज बॉलर था। तनवीर अहमद ने एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया अबाउट बाबर आजम के। हम सबको पता है कि बाबर आजम जो है वनडे और टी20 का कप्तान बन गया, ठीक है। तनवीर अहमद ने जो है एक स्टेटमेंट दी जिसमें तनवीर अहमद ने बोला है कि बाबर आजम तो कप्तान बन गए, अब बाबर आजम को चाहिए कि अपनी ग्रूमिंग करे, अपनी इंग्लिश पे काम करे और अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करे। तो तनवीर अहमद का ये स्टेटमेंट तो दे रही है तनवीर अहमद, लेकिन अब लोग ये बोल रहे कि तनवीर अहमद ने बाबर आजम पे पर्सनल गया। ऐसे पर्सनल गया क्योंकि हम सबको पता है बाबर आजम की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी, बाबर आजम कितना काम प्लेयर है और बाबर आजम का खाली बस फ्लॉप है कि बाबर आजम की इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। तो इंग्लिश वाला स्टेटमेंट ठीक था, लेकिन तनवीर अहमद की ये बात मुझे छीन लगी कि आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करनी चाहिए और साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना चाहिए। ये तनवीर अहमद के वर्ड जो थे वो अच्छे जस्टिफाई नहीं कर रहे तनवीर अहमद की स्टेटमेंट को। तनवीर अहमद जी कहना चाहता होगा कि बाबर आजम को चाहिए कि वो अपनी पर्सनैलिटी इतना एनहांस करे कि वो एक अच्छा और स्ट्रांग लीडर निगर के सामने है, क्योंकि हम सबको पता है दुनिया में जितने भी कप्तान हैं ना वो एक स्ट्रांग लीडर है और बाबर आजम एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन बाबर आजम में अभी वो कैप्टन वाली क्वालिटीज नहीं है। हम होप करते हैं कि बाबर आजम एक फ्यूचर का अच्छा कप्तान साबित हो और पाकिस्तान को अच्छी अच्छी विक्ट्रीज दे, लेकिन तनवीर अहमद का ये स्टेटमेंट मुझे पता है कि ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट होगा और इसके खिलाफ भी काफ़ी बातें होगी, क्योंकि तनवीर अहमद ने एक स्टेटमेंट दे दी। तनवीर अहमद जब लाइव शो में भी स्टेटमेंट देते हैं ना तो एंकर साहब भी लड़ पड़ता है और फॉर्मर प्लेयर साहब भी लड़ पड़ता है, और तनवीर अहमद जो है पीसीबी के अगेंस्ट था और पीसीबी के आज भी अगेंस्ट है। और तनवीर अहमद ये भी बोलता है कि पीसीबी में जो भी काम होते हैं सब पर्ची पे होते हैं और सब धोखेबाजी होती है। और तनवीर अहमद का स्टेटमेंट अबाउट बाबर आजम कि उसको अपनी इंग्लिश, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ग्रूमिंग पर काम करना चाहिए। एक फॉर्मर प्लेयर ने बाबर आजम को टिप दी, बाबर आजम को चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इंग्लिश और अपनी कप्तानी स्किल्स पर थोड़ी इंप्रूवमेंट लाए, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना ये बंदे को खा जाती है। बंदा जितना भी अच्छा हो, जितना भी अच्छा परफॉर्म करो, जब उसकी उस वो जो टीम जीतना है ना तो फिर फैन, स्पेक्टेटर और बोर्ड कप्तान पे ही हमला करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है कि पाकिस्तान जैसा भी परफॉर्म करे ना सबसे पहले उंगली कप्तान पे उठती है, और बाबर आजम अभी अभी कप्तान बना है और बाबर आजम ने दो सीरीज में अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया एज अ कैप्टन, लेकिन बैटिंग बाबर आजम की बहुत अच्छी है। होप फॉर द बेस्ट कि बाबर आजम इन फ्यूचर पाकिस्तान का अच्छा कप्तान साबित हो। और तनवीर अहमद का ये स्टेटमेंट मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा, लेकिन बाबर आजम का भी कोई रिएक्शन नहीं आया। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इस तरह ही सपोर्ट करते रहे कि मैं रोज़ क्रिकेट ओपिनियन, क्रिकेट न्यूज़ या कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर लाते रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।